वेलकम स्टूडेंट्स, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट में आज हम बात करेंगे मर्केंटिलिस्ट कंसेप्ट में करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मर्केंटिलिज्म। मर्केंटिलिज्म में क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या आइडियाज़ है, वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मर्केंटिलिज्म में कौन कौन से हमने आइडियाज़ पढ़ने हैं वो आज हम यहाँ पे बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी मर्केंटिलिज्म के कंसेप्ट और मर्केंटिलिज्म के फैक्टर जो मर्केंटिलिज्म को क्रिएट करने में रिस्पॉन्सिबल है, वो आज हम बात करेंगे मर्केंटिलिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मर्केंटिलिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले आता है वेल्थ। वेल्थ यहाँ पे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है मर्केंटिलिस्ट का। जो भी फंडामेंटल एम है मर्केंटिलिस्ट का वो ये होता है कि कंट्री को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। तो कंट्री को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो कंट्री की वेल्थ को देखते हैं। यहाँ पे किसी भी कंट्री की जब स्ट्रॉन्गनेस को अगर पता लगाना हो तो उसकी वेल्थ को यहाँ पे देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल्थ कंट्री के एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कंट्री की स्ट्रेंथ को बताता है, कंट्री की पावर को बताता है कि कंट्री के पास कितना गोल्ड और सिल्वर का पोर्शन है, स्पेशली गोल्ड और सिल्वर का पोर्शन। जिस कंट्री के पास ज़्यादा है वो यहाँ पे कंट्री वेल्थ के फॉर्म में स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। सो मर्केंटिलिज्म का जो एम है, फंडामेंटल एम है, वो कंट्री को स्ट्रॉन्ग बनाना है। द फंडामेंटल एम ऑफ द मर्केंटिलिस्ट was to make the country strong, and the strength of the country was found in the wealth of a country। Important line, wealth of a country जो है वो country की strength मानी जाती है, especially that portion of wealth which consists precious metal like gold and silver। जो gold and silver का form है वो ही यहाँ पे wealth मानी जाती है। तो very important line, gold and silver वाला point कि gold and silver के अंदर यहाँ पे mercantilist के according gold and silver की जो portion है, अगर जिनका कंट्री के पास ज़्यादा है उस कंट्री की वेल्थ क्या है, अच्छी है। मर्केंटिलिस्ट का फर्मली बिलीव क्या है कि गोल्ड है वेल्थ और पावर का इंडिकेट, यानी कि जितना गोल्ड होगा उतनी वेल्थ यहाँ पे होगी और उतनी ही कंट्री के अंदर पर्सनस के पास यहाँ पे पावर ज़्यादा होगी। तो मर्केंटिलिस्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि फंडामेंटल एम है कंट्री को स्ट्रॉन्ग बनाना और कंट्री की वेल्थ को क्रिएट करना। कंट्री की वेल्थ किस फॉर्म में देखी जाती है, कंट्री की वेल्थ के अंदर। सो दस दी मर्केंटिलिस्ट हैव अ हाई रिगार्ड फॉर अ मनी। मनी का इंपॉर्टेंट पोर्शन यहाँ पे बताया गया है कि मनी की जरूरत यहाँ पे ज़्यादा क्यों पड़ती है, क्योंकि कंट्री मनी से ही स्ट्रॉन्ग फॉर्म में आती है। मनी मींस गोल्ड यहाँ पे माना गया है। इफ वी कंसीडर द circumstances of the day, mercantilist were justified in attaching greater importance to gold। यहाँ पे mercantilist ने बताया कि जो भी कंट्री है उसी कंट्री के अंदर अगर इम्पोर्टेंस ऑफ गोल्ड यहाँ पे देखी दी जाती है, गोल्ड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो वो कंट्री ज़्यादा सक्सेस ऑफ वेल्थ की तरफ बढ़ती है, वेल्थ को गेन करने की तरफ ज़्यादा बढ़ती है। According to Keynes, the mercantilist understood the important role of money in economic system। किसी भी कंट्री के अंदर अगर वेल्थ क्रिएट करनी है तो मनी की इम्पोर्टेंट सिस्टम यहाँ में मनी का इम्पोर्टेंट रोल समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट रोल ऑफ मनी यानी कि गोल्ड एंड सिल्वर के इम्पोर्टेंट रोल समझना यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर आर इक्वल टू मनी, मनी के बराबर ही माना जाता है। दे स्टडी द अफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन द क्वान्टिटी ऑफ मनी एंड प्राइस लेवल इन एम्प्लॉयमेंट। इस चीज़ों की कंट्री में स्टडी करी जाती है कि प्राइस लेवल किस तरीके से बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनकम चेंज हो रहा है, किस तरीके से इनकम में वेरिएशंस आ रहे हैं और क्वान्टिटी ऑफ मनी चेंज हो रहा है, वो यहाँ पे देखा जाता है। सो हमने आज बात करी यहाँ पे वेल्थ की। फर्स्ट पॉइंट क्या है, वेल्थ। वेल्थ में है कि वेल्थ क्रिएट करने के ऊपर फोकस मर्केंटिलिस्ट का रहता है और कंट्री की जो स्ट्रेंथ है वो वेल्थ से ही पता लगाते हैं। स्पेशियस मेटल लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, जितना गोल्ड उतनी वेल्थ उतनी पावर। उसके बाद हमने बात करी कि मर्केंटिलिस्ट ग्रेटर इंपॉर्टेंस देते हैं गोल्ड को और वो गोल्ड को इम्पॉर्टेंट एलिमेंट मानते हैं, इक्वल टू मनी मानते हैं इकोनॉमिक सिस्टम में और उसकी स्टडी करते हैं यहाँ पे। और इनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, कीन्स के अकॉर्डिंग बताया गया कि इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ मनी, मनी की जो क्वांटिटी में चेंजेस आ रहा है और प्राइस लेवल में चेंजेस आ रहा है और एम्प्लॉयमेंट में चेंजेस आ रहा है, ये ही स्टडी करना इम्पॉर्टेंट है, जिससे ये पता चलता है कंट्री के अंदर वेल्थ किस तरीके से वेल्थ में वेरिएशन आ रहा है, कंट्री में वेल्थ इंक्रीज़ हो रही है डिक्रीज़ हो रही है। सेकेंड पॉइंट आता है फॉरेन ट्रेड। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या आएगा, फॉरेन ट्रेड आएगा। फॉरेन ट्रेड के अंदर क्या बता रखा है, मर्केंटलिस्ट जो थ्योरी है फॉरेन ट्रेड की, उसको बैलेंस ऑफ ट्रेड थ्योरी यहाँ पे मानी जाती है। मर्केंटलिस्ट थ्योरी जो है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड थ्योरी मानी जाती है। बैलेंस ऑफ ट्रेड थ्योरी मर्केंटलिस्ट की फॉरेन ट्रेड को माना जाता है। द एम ऑफ दिस थ्योरी वॉज टू गेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रीशियस मेटल। फॉरेन ट्रेड वॉज कंसिडर टू बी द ओनली सोर्स फॉर गेटिंग गोल्ड एंड सिल्वर। इस थ्योरी का इम्पोर्टेंस क्या है कि फॉरेन ट्रेड क्यों करा जाता है, जिससे गोल्ड एंड सिल्वर क्रिएट कर सके ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड एंड सिल्वर को क्रिएट करने के लिए या बनाने के लिए फॉरेन ट्रेड के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है। मर्केंटलिस्ट थ्योरी इस तरीके से कहती है। मर्केंटलिस्ट में फॉरेन ट्रेड के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया क्योंकि फॉरेन ट्रेड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू इंक्रीज द लार्ज अमाउंट ऑफ प्रीशियस मेटल लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। और गोल्ड एंड सिल्वर जब इंक्रीज़ होगी तो वेल्थ भी इंक्रीज़ होगी, इसलिए यहाँ पे इनका फॉरेन ट्रेड के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करा गया है। They believe that all those nations which did not possess their own gold and silver mine could become rich after getting gold and silver from foreign countries through trade. एक्सपोर्ट इंपोर्ट के प्रोसेस से, ट्रेड के प्रोसेस से यहाँ पे बताया गया कि जो कंट्री अगर यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर को लेकर नहीं आती, उन कंट्री का जो रिच बनने का जो सपना है वो धीरे धीरे बढ़ता नहीं है। लेकिन अगर गोल्ड एंड सिल्वर को ऊपर फोकस करना है तो यहाँ पे फॉरेन ट्रेड को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे जैसे फॉरेन ट्रेड बढ़ाती है वैसे वैसे यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर की जो वैल्यू है वो कंट्री के अंदर बढ़ती जाती है, कंट्री के अंदर इंक्रीज़ होती जाती है। तो गोल्ड एंड सिल्वर बढ़ाने का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, मर्केंटलिस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग फॉरेन ट्रेड। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कही गई है, फोकस किसके ऊपर रखा गया है, एक्सपोर्ट पे। जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट आप करोगे उतना ज़्यादा फेवरेबल ट्रेड बढ़ेगा, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल होगा, आपके पास गोल्ड एंड सिल्वर आएगा ज़्यादा। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि जो मर्केंटलिस्ट है वो इंसिस्ट करते इस चीज़ को कि वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर दैन इम्पोर्ट। इम्पोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट ज़रूरी है, इम्पोर्ट करना भी ज़रूरी है, दोनों चीज़ें ज़रूरी है क्योंकि सारे रिसोर्सेज हर कंट्री में अवेलेबल नहीं होते, तो कुछ रिसोर्सेज को इम्पोर्ट करना पड़ता है। बट एक्सपोर्ट जिस कंट्री का जाता रहता है वो कंट्री गोल्ड और सिल्वर को ज़्यादा गेट करती है। ये अगली लाइन में बता रखा है, एक्सपोर्ट मोर इम्पोर्ट लेस कैन कलेक्ट द बैलेंस इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। सो इम्पॉर्टेंट लाइन बता रखी है इस थ्योरी के अंदर कि फेवरेबल ट्रेड बनाना है तो एक्सपोर्ट को की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। However, the mercantilist theory of foreign trade was has no validity in modern times. If every nation export more, there would be end to international trade. सिंपल सी कंसेप्ट है कि जितनी भी कंट्री एक्सपोर्ट पर ज़्यादा ध्यान देती है तो इंटरनेशनल ट्रेड एंड की तरफ बढ़ जाता है। क्यों, इंपोर्ट भी ज़रूरी है, रिसोर्सेज सारे अवेलेबल नहीं होते हैं हर कंट्री में, तो इंपोर्ट भी हमें करना ज़रूरी होता है। और जैसे जैसे इंपोर्ट करेंगे तभी कंट्रीज़ के बीच में, नेशंस के बीच में यहाँ पे अच्छे रिलेशन बनेंगे ट्रेड के, इसलिए इंपोर्ट करना भी ज़रूरी है। बट एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो रेशियो है उसमें एक्सपोर्ट की जो वैलिडिटी वो ज़्यादा होनी चाहिए, इंपोर्ट की वैलिडिटी एक्सपोर्ट से कम होनी चाहिए क्योंकि इंपोर्ट ट्रेड को फेवरेबल नहीं बनाता, ज़्यादा इंपोर्ट ट्रेड को फेवरेबल नहीं बनाता एक्सपोर्ट से। इसलिए गोल्ड एंड सिल्वर लेकर आना है एक्सपोर्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन इंपोर्ट भी यहाँ पे मॉडर्न टाइम के अंदर ज़रूरी है। मॉडर्न टाइम्स में इंपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि रिसोर्स अवेलेबल नहीं होते सारे, इसलिए इंपोर्ट भी इम्पॉर्टेंट है। सो मर्केंटलिस्ट थ्योरी फॉरेन ट्रेड क्या कहती है कि एक्सपोर्ट ज़्यादा करना है कंक्लूसिवली और इंपोर्ट कम करना है, और एक्सपोर्ट ज़्यादा करने से गोल्ड एंड सिल्वर की जो वैल्यू है वो यहाँ पे बढ़ेगी कंट्री के अंदर और कंट्री की वेल्थ भी इंक्रीज़ होगी। फॉरेन ट्रेड ही एक ऐसा सोर्स है जो गोल्ड एंड सिल्वर को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉमर्स एंड ट्रेड। कॉमर्स एंड ट्रेड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉमर्स एंड ट्रेड। कॉमर्स एंड ट्रेड एक इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस है नेशनल इकोनॉमी की। नेशनल प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ानी है तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को मेंटेन करना है मर्केंटलिस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग, यानी कि रेगुलेशन क्या किसका करना है, कॉमर्स एंड ट्रेड का रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है मर्केंटलिस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग। ट्रेड का इंपॉर्टेंस यहाँ पे बताई गई है कि जितनी ज़्यादा आप ट्रेड करोगे उतना ज़्यादा यहाँ पे कंट्री के अंदर जो गोल्ड एंड सिल्वर की फॉर्म है वो तेज़ी से इंक्रीज़ होगी। और कॉमर्स एंड ट्रेड को ज़्यादा फोकस करा गया है। आज के टाइम में एग्रीकल्चर लीस्ट प्रोडक्टिव माना जाता है, कॉमर्स एंड ट्रेड ज़्यादा प्रोडक्टिव माना जाता है, यानी कि इंडस्ट्रीज़ और कॉमर्स जो है वो यहाँ पे फोकस इनका ज़्यादा रहता है। इसमें पॉपुलेशन भी ज़्यादा काम कर रही है, एग्रीकल्चर कनेक्ट है इससे, एग्रीकल्चर बेसिक है, बट मोस्ट प्रोडक्टिव असेट जो है कंट्री के अंदर सेक्टर्स में कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ ये है। फोर्थ पॉइंट बता रखा है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मर्केंटिलिस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, जितनी भी पॉपुलेशन मानी गई है वो स्ट्रॉन्ग कैसे होती है, वो स्ट्रॉन्ग होती है प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाकर। ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन का काम क्या होना चाहिए, नेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना, गोल्ड एंड सिल्वर को लेकर आना, प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना, यानी कि जितना भी आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्शन करते रहे, प्रोडक्शन को बढ़ाते रहे, इंक्रीज़ करते रहे, एक्सपोर्ट ज़्यादा करते रहे, ट्रेड ज़्यादा करें, तो इस तरीके से पॉपुलेशन की क्वालिटी के बारे में पता चलता है। सो मर्केंटिलिस्ट एनकरेज लार्ज पॉपुलेशन फॉर मेकिंग द नेशन मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग एंड फॉर इंक्रीजिंग इट्स प्रोडक्टिव कैपेसिटी। नेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन यानी कि लार्ज फॉर्म ऑफ पॉपुलेशन को एनकरेज होना पड़ेगा प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रखा है, दे बिलीव डैट चीप एंड अबंडेंट सप्लाई ऑफ लेबर वुड कीप द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो। जितने चीप लेबर रखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो होगा लेकिन क्वालिटी भी यहाँ पे लो होगी। तो चीप एंड अबंडेंट लेबर की जो सप्लाई है, चीप यानी कि लोकल लेबर जो सस्ते लेबर है होते हैं, जो कम कॉस्ट पे काम करते हैं, जो कम वेजेस पे काम करते हैं, तो ऑब्वियसली उनका जो खर्चा होगा वो भी प्रोडक्शन में कम होगा, तो प्रोडक्शन की कॉस्ट होगी वो लो होगी लेकिन क्वालिटी भी यहाँ पे ख़राब होगी। क्यों, जितनी भी प्रोडक्शन की कॉस्ट अगर लो पड़ती है तो इसमें यह भी देखा जाता है कि क्वालिटी ख़राब नहीं हो। अगर क्वालिटी ख़राब नहीं होती है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो है तो यहाँ पे एक तरीके से एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस क्रिएट होती है आपके प्रोडक्शन में। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखना है कि लेबर सप्लाई जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को लो करती है, चीप एंड लेबर सप्लाई। लेकिन अगर लेबर सप्लाई सही है, प्रॉपर्ली अपनी क्वालिटी के ऊपर काम कर रहे हैं और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो है तो वो प्रोडक्ट एक इफेक्टिव प्रोडक्ट माना जाता है। इस कारण से क्या होता है, मार्केट में जो कमोडिटी होती है वो लोअर प्राइस पे सेल होती है। क्यों, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो है। ज़्यादा सेल के फोकस को लेकर यहाँ पे ज़्यादा सेल करने के लिए यहाँ पे कंट्री के अंदर ज़्यादा सेल करने के लिए क्या करा जाता है, प्रोडक्शन को लो कॉस्ट पे करा जाता है और लो प्राइस पे सेल करा जाता है। सो मर्केंटिलिस्ट का बिलीव क्या है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेंटेन करना, कंट्री को स्ट्रॉन्ग बनाना, लो प्राइस पर बेचना प्रोडक्ट को। द मर्केंटिलिस्ट इवन एनकरेज इमिग्रेशन बिकॉज दे वुड ब्रिंग वेल्थ एंड एनरिच द कंट्री। इसलिए मर्केंटिलिस्ट क्या करते हैं, इमिग्रेशन का होता है। इमिग्रेशन का मतलब यहाँ पे ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे उनका काम अच्छी तरीके से और इंक्रीज़ होता है, उनकी क्वालिटी इंक्रीज़ होती है, दूसरी जगह उनको है ना एक तरीके से स्किल सीखने को मिलती है। ऐसी जगह जाते हैं, दूसरी कंट्री में जाते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री चल जाते हैं और उसी कंट्री में रहने लग जाते हैं और उसी कंट्री के अंदर है ना वहाँ पे प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज़ करते हैं वर्क करके। तो ये मर्केंटिलिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा इमिग्रेशन होते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में और अपने आप उस कंट्री की भी वेल्थ इंक्रीज़ करते हैं, अपनी वेल्थ भी इंक्रीज़ करते हैं। तो पॉपुलेशन थ्योरी में हमने क्या पढ़ा कि कंट्री को स्ट्रॉन्ग बनाना तो प्रोडक्टिव कैपेसिटी पॉपुलेशन को बढ़ानी पड़ेगी। सप्लाई लेबर की सप्लाई अगर इंक्रीज़ होती है तो यहाँ पे चीप लेबर की सप्लाई में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो होता है जिससे कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को सेल करते हैं मार्केट में और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को लो प्राइस पर सेल करते हैं, इससे सेलिंग इंक्रीज़ होती है। इसी कारण से मर्केंटिलिस्ट क्या करते हैं, अलग अलग जगह एनकरेज होते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं और कंट्री की वेल्थ को इंक्रीज़ करते हैं, खुद की वेल्थ को भी इंक्रीज़ करते हैं। क्योंकि लेबर की यहाँ पे डिमांड मार्केट में ज़्यादा, तो लेबर की डिमांड को पूरी करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने में हेल्पफुल है। नेचुरल रिसोर्सेज में बता रखा है कि जितने रिसोर्सेज है उसका मैक्सिमम यूज़ होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मर्केंटिलिस्ट थ्योरी। जितना एक्सपोर्ट ज़्यादा, इंपोर्ट कम और प्रोडक्शन ज़्यादा, जितने रिसोर्सेज ज़्यादा हमारी कंट्री के, अगर वो प्रॉपर्ली यूज़ हो रहे हैं तो हमारी कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट भी ज़्यादा होगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। नेचुरल रिसोर्सेज क्या कहता है कि जितना ज़्यादा हमारे रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करें, हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करें, इंपोर्ट कम करें, और एग्रीकल्चर के साथ फूड प्रॉब्लम की जो समस्या है वो भी ख़त्म हो जाएगी। एग्रीकल्चर को इंपॉर्टेंस मिलेगा, एग्रीकल्चर को सपोर्ट मिलता है इससे। वेजेस एंड रेंट के ऊपर बता रखा है, मर्केंटिलिस्ट ने प्रोडक्शन की बात करी है सिर्फ, तो वेजेस एंड रेंट के बारे में कुछ, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में इन्होंने कुछ कह नहीं रखा। तो वेजेस एंड रेंट का कॉमन सेंस कंसेप्ट यहाँ पे ये है कि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा वेज यहाँ पे इंक्रीज़ होगा, क्योंकि इनकम इंक्रीज़ हो रही है मार्केट में, इसलिए यहाँ पर इस चीज़ को देखा जाता है। तो वेज और रेंट के बारे में मर्केंटिलिस्ट थ्योरी ज़्यादा कुछ कहती नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है इनका कि ओनली प्रोडक्शन के ऊपर बात करती है, इसलिए यहाँ पे वेजन थ्योरी को इन्होंने इग्नोर करा है। इंटरेस्ट थ्योरी भी मर्केंटिलिस्ट ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत पॉइंट यह है कि इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करना प्रोडक्शन प्रोसेस से ही होता है। जितना ज़्यादा अर्निंग होगा उतना ज़्यादा यहाँ पे कैपेसिटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन की कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी, इसलिए इंटरेस्ट के ऊपर भी इतना ज़्यादा फोकस नहीं करा गया। इंटरेस्ट, फेमस मर्केंटिलिस्ट राइटर फेवर्ड इंटरेस्ट टेकिंग फॉर द लोन ऑन द ग्राउंड डेट अ लैंडिंग हेल्प द पुअर एंड यंग मर्चेंट्स। सिंपल इंपॉर्टेंट पॉइंट पता रखा है कि इंटरेस्ट गेट करना, उनको लोन देकर प्रोवाइड करके, जैसे पुअर पीपल है, यंग मर्चेंट्स, उनको लोन प्रोवाइड करके इंटरेस्ट गेट करना। इससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा, सेविंग भी क्रिएट होगी मार्केट के अंदर, और इस तरीके से जो लोग, जो डिपेंडेंट पीपल है, जिन लोगों को मनी की रिक्वायरमेंट है, वो भी उनकी पूरी हो जाएगी। तो इस तरीके से बता रखा है कि इंटरेस्ट का एक रोल होता है, वहाँ से क्रिएट करो इंटरेस्ट और लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए लोगों को पैसा भी दो। जैसे एग्रीकल्चर लैंड के अंदर फार्मर्स को, यहाँ बेसिकली फार्मरों को यहाँ पे लोन दिया जाता है, और गवर्नमेंट उसी तरीके से सेविंग भी इंक्रीज़ करवाती है और एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ करवाती है। तो एक इंटरेस्ट का इंपॉर्टेंट रोल है। तो मर्केंटिलिस्ट थ्योरी में इंटरेस्ट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहा गया, लेकिन ये कहा गया कि लोन क्रिएट करते रहो, इंटरेस्ट देते रहो, ये एक अच्छा सोर्स है इनकम क्रिएट करने का। टैक्सेशन थ्योरी में मर्केंटिलिस्ट क्या कहती है कि जितना ज़्यादा टैक्सेशन होगा एक तरीके से, उतना ज़्यादा यहाँ पर गवर्नमेंट अपने आप को फेवरेबल मानेगी। मल्टीपल टैक्स सिस्टम होना चाहिए, टाइम के साथ यहाँ पे टैक्स सिस्टम में चेंज आना चाहिए। इंपॉर्टेंट लाइन बता रखी है कि जो व्यू है मार्केटिस्ट का वो साइंटिफिक होना चाहिए टैक्स के फॉर्म में, और टाइम के साथ यहाँ पे टैक्स फॉर्म चेंज होना चाहिए। मल्टीपल टैक्स सिस्टम होना चाहिए, ईच शुड पे अकॉर्डिंग टू द बेनिफिट रिसीव फ्रॉम द स्टेट। जितना जो व्यक्ति है वो उस हिसाब से पे करे जो उसको स्टेट से बेनिफिट मिला है, मतलब जिसका जितना बेनिफिट है उसी के अकॉर्डिंग वो टैक्स पे करेगा। कम बेनिफिट कम टैक्स पे करेगा, ज़्यादा बेनिफिट ज़्यादा टैक्स पे करेगा। तो टैक्सेशन सिस्टम एक अच्छा होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए, टाइम के साथ चेंज होना चाहिए मर्केंटिलिस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग। मल्टीपल टैक्स सिस्टम होना चाहिए, और ईच जो पर्सन है, ईच इंडिविजुअल है, वो अकॉर्डिंग टू बेनिफिट जो आ रहा है उसको स्टेट से, ऑर्गेनाइजेशन से, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे टैक्स पे करना चाहिए। थ्योरी ऑफ वैल्यू में हमने कवर करा है। थ्योरी ऑफ वैल्यू में जो इम्पोर्टेंट लाइन बता रखी है कि जो मर्केंटिलिस्ट होते हैं वो वैल्यू को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। वैल्यू यानी कि किसी भी चीज़ की प्राइस हो गया, किसी भी चीज़ का एक सोर्स हो गया उस एक्सचेंज का, या वो वैल्यू जो जिसमें है ना मार्केट में उस चीज़ को बेची जाती है। तो वैल्यू यहाँ पे किससे डिसाइड होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। इंपॉर्टेंट लाइन है, वैल्यू ऑफ कमोडिटी, नॉर्मल वैल्यू किससे डिसाइड होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। अकॉर्डिंग टू द मर्केंटिलिस्ट द नॉर्मल वैल्यू ऑफ ए कमोडिटी डिपेंड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वेरी करेगा, यानी कि चेंज करेगा, उसमें वेरिएशन आएंगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यू भी चेंज होगी, और वैल्यू ही यहाँ पे कंसीडर करी जाती है। मर्केंटिलिस्ट पीरियड के अंदर भी बता रखा था ये कि वैल्यू जो है मार्केट में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कमोडिटी के सेलिंग पॉइंट को फिक्स करती है, सेलिंग पॉइंट को बताती है क्या उस कमोडिटी की क्या यहाँ पे वैल्यू है, क्या मार्केट में उसकी सेलिंग प्राइस है। वैल्यू वॉज जस्ट कंसिडर डिफरेंट फ्रॉम प्राइस, प्राइस से डिफरेंट माना जाता है वैल्यू। प्राइस एक फैक्टर है जिस जो एक्सचेंज फॉर्म बनती को बताता है कि कितने में एक्सचेंज होगा। वैल्यू यानी कि उस कमोडिटी के एक स्टेटस को रिकॉग्नाइज करता है कि किस फॉर्म में कमोडिटी एक्सचेंज होगी। एंड ऑफ मर्केंटिलिस्ट ट्रेड मार्केट वैल्यू को रिकॉग्नाइज करा जाता है मार्केट वैल्यू। इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो भी मार्केट वैल्यू उसी में प्रोडक्ट का एक्सचेंज होगा। प्राइस फैक्टर अलग है जितनी प्राइस बन रही है, लेकिन मार्केट में अगर जो वैल्यू है वो रिकॉग्नाइज हो गई तो वैल्यू के अंदर ही वो प्रोडक्ट एक्सचेंज होगा। स्कैरसिटी भी इस चीज़ की बताती है, अगर उस कमोडिटी कमी है तो भी वैल्यू अफेक्ट होगी, कमी है तो वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। ज़्यादा प्रोडक्ट है अगर मार्केट में तो वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। जैसे सॉल्ट आता है मार्केट में, कमी नहीं है इसकी तो वैल्यू भी कम है, जिस टाइम पे कमी हो जाएगी इसकी स्कैरसिटी हो जाएगी उस टाइम पे इसकी वैल्यू और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे मार्केट में वैल्यू को इंपॉर्टेंस दी गई है, जितनी ज़्यादा मार्केट में ज़रूरत है उतनी ज़्यादा वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी। तो थ्योरी ऑफ वैल्यू इंपॉर्टेंट है, प्राइस से अलग है, प्राइस अलग फैक्टर होता है लेकिन वैल्यू जो है वो अलग फैक्टर होता है। वैल्यू क्या बताता है? प्रोडक्ट के स्टेटस को बताता है, प्रोडक्ट के एक रिकॉग्निशन को बताता है कि प्रोडक्ट किस तरीके से मार्केट में वैल्यू कर रहा है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आज हमने बात करी, 9 पॉइंट्स कवर करें हमने, यहाँ पे मेन जो पॉइंट्स है वो हमने कवर करे। फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था वेल्थ, सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा था यहाँ पे फॉरेन ट्रेड, थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फोर्थ पॉइंट हमने पॉपुलेशन के ऊपर बात करी, फिफ्थ पॉइंट नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर बात करी, सिक्स पॉइंट वेजेस एंड रेंट के ऊपर बात करी, 7 पॉइंट इंटरेस्ट के ऊपर, टैक्सेशन के ऊपर 8 पॉइंट और 9 पॉइंट हमने भी यहाँ बात करी है थ्योरी ऑफ वैल्यू के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम मर्केंटिलिस्ट से जुड़ी और बातों को कवर करेंगे। थैंक यू।